स्पेंसर, हम ये याद रखें, एलिजाबेथ ने 1558 में शुरू हुआ है 50, ये बिल्कुल आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए 1558 to 1603, सारे एजेस 1558 से 1603 तक एलिजाबेथ ने जो है, स्पेंसर का जन्म 1552 में हुआ है। वे एलिजाबेथन एज के पोएट इसलिए कहलाते हैं, कोई पैदा होते ही तो लिखने नहीं लग गए होंगे ना, लिखा तो उन्होंने एलिजाबेथन एज में है, लिखा तो उन्होंने एलिजाबेथन एज में है, इसलिए वो एलिजाबेथन राइटर कहलाते हैं। ठीक है, ही इज नोन एज द एलिजाबेथन, एज वन ऑफ द बेस्ट एलिजाबेथन राइटर्स। ठीक है, बॉर्न इन 1552, बेस्ट नोन, देखो बेस्ट नोन, वेल नोन, बेटर नोन, गुड नोन नहीं आता, नोन ही अपने आप में नोन, इट इज नॉट गुड नोन, इट इज नोन, नोन बेटर नोन, बेस्ट नोन, क्लियर। एडमंड स्पेंसर बेस्ट नोन, सबसे ज्यादा उन्हें जाना जाता है फॉर हिज वर्क द फेरी क्वीन, फेरी क्वीन नाम की रचना के लिए उन्हें सबसे ज्यादा जाना जाता है। Born in 1552, died in 1599. बहुत महान कवि रहे, बहुत महान कवि रहे, सुनो, इन्होंने किलकोलबन कासल नाम का एक किला खरीदा, किला खरीद लिया, बट एक बाद में बहुत गरीब, वो जल गया, वो किला पूरा जल के राख हो गया, है ना। तो अब इनकी हालत, माली हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई, इतने महान कवि थे, पर जब ये मरे तो नौबत ये आई कि उनको दफनाने के लिए परिवार में पैसा नहीं था, there was no money। उस समय पर अर्ल ऑफ ससेक्स या एसेक्स में से, ससेक्स थे आई थिंक, एसेक्स या ससेक्स में से, एसेक्स, तो वो जो अर्ल थे उनको बहुत बुरा लगा, उनको लगा कि इतना महान कवि और इसके लिए चंदा कर रहे हैं, मतलब इसको दफनाने के लिए चंदा कर रहे हैं। जब उनको पता चला कि भाई इस परिवार में पैसा नहीं है और इनको दफनाने की नौबत आ रही है, तो फिर वो आए, उन्होंने कहा कि चंदे का काम रोको, मैं अकेला इसका जो भी खर्चा होगा मैं उठा लूंगा। तो इसलिए ये वो कवि थे। जब इनको दफनाया गया, प्लीज पे अटेंशन, सारे कवि मौजूद थे, तुम्हें पता होगा कि जब जज कोर्ट में किसी को मौत की सजा सुनाता है, फांसी की सजा सुनाता है, तो वो सजा सुनाने के बाद अपना कलम तोड़ देता है। यू आर अवेयर ऑफ दिस? स्पेंसर के लिए आसपास उनके दफनाने का कार्यक्रम चल रहा था, कई लोगों ने, वही खड़े खड़े कवियों ने स्पेंसर के नाम कविताएं लिखी और कविता लिख कर उन्होंने अपना कलम तोड़कर उसको कब्र में डाल दिया। ही वाज सच अ ग्रेट पोएट, इतने महान कवि थे। इज इट क्लियर टू यू? तो ही डाइड इन 1599। इनके बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखो जो मैं नोट्स में इंक्लूड नहीं कर पाई, पर उसको मैं उसमें करूंगी, बट यहीं पर एक लाइन लिख लो, पहले समझो फिर लिखो। हम इंग्लिश रिनेसांस को पढ़ेंगे, आरपीएससी ने रिनेसांस दिया, एलिजाबेथ ने इसको दिया ही नहीं, क्योंकि इंग्लिश रिनेसांस एक्चुअली एलिजाबेथ ने दिया, तो क्योंकि ये रिनेसांस हमारे कोर्स में है, इंग्लिश रिनेसांस की शुरुआत हुई स्पेंसर की रचना द
द शेपर्ड्स कैलेंडर इन 1579 में, इन द ईयर 1579 Spencer wrote the Shepherd's Calendar, SHEPHERD calendar, the Shepherd's Calendar. ठीक है, अब ये शेफर्ड्स कैलेंडर, ये ईयर लिखो 1579, लिख लिया। अब ये शेफर्ड्स कैलेंडर क्या है? शेफर्ड्स कैलेंडर एक लंबी सी रचना है जिसकी 12 भाग है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून दिसंबर तक। हर महीने शेफर्ड की लाइफ कैसे रहती है? एक ग्वाले गडरिए की लाइफ आखिर रहती कैसे? जनवरी में कैसे रहती है, फरवरी में कैसे रहती है, मार्च में कैसे रहती है, दिसंबर तक उन्होंने डिस्क्राइब किया। 12 महीने 12 पार्ट्स द शेफर्ड्स कैलेंडर। जब आपको रचना के बारे में थोड़ा सा पता होता है तो याद जल्दी हो जाता है ना, दैट इज व्हाई। फिर अगला, ही इन्वेंटेड द स्पेंसेरियन स्टैंजा फॉर हिज वर्क द फेरी क्वीन। ओके, अब उन्होंने स्पेंसेरियन स्टैंजा का निर्माण किया अपनी प्रसिद्ध रचना द फेरी क्वीन के लिए। क्यों किया और ये क्या था? देखो, फेरी क्वीन 20,000 पंक्तियों की रचना है, मोर देन 20,000 लाइंस की रचना है। क्या हम कल्पना कर सकते हैं उस रचना को पढ़ने का? हाँ, कर सकते हैं। सुनो, हम कर सकते हैं, वो कोई बात नहीं है, पर हम सो जाएंगे क्योंकि वो बहुत, क्यों? क्योंकि वो, हम क्यों सो जाएंगे? हम इसलिए सो जाएंगे, अब हम शेफ उसमें फेरी क्वीन में क्यों सो जाएंगे उसको छोड़? क्या हम रामायण को पढ़ सकते हैं? अब यह हो गया, पढ़ सकते हैं। सुंदरकांड को पढ़ सकते हैं? हाँ, पढ़ते हैं, पर सोते नहीं है। क्यों नहीं सोते? नहीं, हमारे धर्म की किताब है। नहीं, वो किसी भी धर्म की किताब हो, नींद आ रही है तो आ रही है, अंडरस्टूड। हम इसलिए नहीं सोते क्योंकि रामायण हो या कोई भी एपिक हो, उसकी बनावट कैसी है? ऐसी चलेगी, हम सुनते करते रहे और फिर जब हमको नींद आने लगेगी तो सडनली दो लाइन ऐसी आएंगी और हम जग के बैठ गए। फिर क्या हुआ? उसको दो लाइंस को वो दो चार बार सुनाएंगे, वो दो चार बार हम अलर्ट हो गए, फिर वापस उस पे आ जाएगा, फिर क्या होगा? फिर वापस जैसे ही हमें नींद आएगी वो वापस से लंबा हो जाएगा। वो एक बदलाव आता है स्वर में जो हमें सोने नहीं देता और वो बहुत जरूरी होता है लंबी रचनाओं में। ये लिटररी डिवाइस है, तरीका है। इज इट क्लियर टू यू? फेरी क्वीन 20,000 पंक्तियों की रचना थी और स्पेंसर ने क्या किया? ये तो सब, इन लोगों ने सब कुछ, जैसा कि हमने फर्स्ट डे देख लिया, या तो ग्रीस से लिया या रोम से लिया। अब वापस रोम में एक स्टैंजा चलता था 8 पंक्तियों का, क्योंकि फर्स्ट रेड वाले भी यहाँ बैठे हैं इसलिए बता रही हूँ। ओटावा राइमा नाम का, ओटावा ऑटो, ये सब 8 पंक्तियों का स्टैंजा था ओटावा राइमा। इसने बड़ी चतुराई से उसको एज इट इज उठा के यहाँ फिट कर लिया, स्टैंजा का पहली हुई। बट फिर उसको सोचा कि 20,000 पंक्तियों में तो पब्लिक सो जाएगी, तो मैं क्या करूं ऐसा कि ना सोए। इसने उन 8 पंक्तियों में एक लंबा सा नवा लाइन जोड़ दिया। अब सो के बताओ
वो आठ पंक्ति है, तुमको नींद आएगी जितने में वो नाइन्थ लाइन तुम्हें जगा देगा, फिर तुम आठ पंक्तियां पढ़ोगे, फिर सोने की तैयारी करोगे, फिर वो नवा लाइन आ जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? वो नाइन्थ लाइन मोनोटनी को तोड़ती है, बोरियत को तोड़ती है, नींद को तोड़ती है, और उसको कहते हैं एलेक्सेंड्रा। फर्स्ट ग्रेड वालों को पता होना चाहिए, सेकंड ग्रेड वाले बच्चों को ना भी बताओ तो तुम्हें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि स्पेंसरियन स्टैंजा नाम की एक स्टैंजा जरूर होती है जिसमें नाइन लाइंस होते हैं, उसमें नाइन लाइंस होते हैं और एट लाइंस एक लंबाई से चलती है और नवा लाइन उसका लंबा होता है। इज दिस क्लियर? ये उसने बनाया, इसके लिए वो फेमस है, फिर बहुत सारे लोगों ने उसको यूज किया है, कई कवियों ने यूज किया है, फेमस पोइट्स ने यूज किया है स्पेंसरियन स्टैंजा। फिर इट इज अ स्टैंजा ऑफ नाइन लाइंस, और क्योंकि सेकंड ग्रेड में